टोन ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज मैं आपको कुछ शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी दूंगा। हालांकि मैंने विधिवत शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा, क्योंकि हमारे गुरु फ्री स्टाइल थे तो हमें फ्री स्टाइल ही बना के गए। सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी, जो एक फरिश्ते थे, मैं उनका आपको कि वो किस तरह से खरज में जाकर के मध्यम में पहुंचते थे और मध्यम से जाकर के तीव्र में पहुंचते थे, वो तीव्र से वापस मध्यम से होते हुए फिर खरज में आते थे। इसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत की एक जबरदस्त विद्या। ये विद्या हर एक गायक को पास नहीं होती, बल्कि मैं यह भी कह सकता हूँ कि लता मंगेशकर स्वर कोकिला जरूर थी, लेकिन ये जो टेक्निक है ये उनके पास भी नहीं थी। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ये जो गायकी खरज, मध्यम और तीव्र शास्त्रीय संगीत में केएल सहगल को प्राप्त थी, तलत महमूद को प्राप्त थी और मन्ना डे को प्राप्त थी, इसके अलावा सबके सरताज मोहम्मद रफ़ी को प्राप्त थी। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रफ़ी साहब की जो गायकी है, उनकी आवाज़ गायकी के अंदर कभी गले से आवाज़ नहीं निकाली जाती। आवाज़ कहाँ से पैदा की जाती है, इस बारे में जानकारी देता हूँ। अपनी जो नाभि होती है वहाँ से, यानी कि दिल के पास से नीचे से, वहाँ से आवाज़ को पैदा किया जाता है और उसको ऊंचा लेकर के गले तक लाकर के और मुंह से उसका उच्चारण किया जाता है, है ना। तो मैं सबसे पहले मैं क्या कहूँ आपको, मैं फरिश्ता मानता हूँ मोहम्मद रफ़ी को, कि ऐसा गायक संसार में कभी नहीं होगा और हमारा सौभाग्य है कि हम और आप उनको आज बहुत लाइक करते हैं। कहते हैं हाथी जो होता है जिंदा लाख का होता है, मरने के बाद 10 लाख का होता है। तो अच्छे गायकों की कदर, जब गायकों की भीड़ लगी रहती है तो नहीं लोग कर पाते, लेकिन जब गायकों के अंदर निम्न स्तर के गायक पैदा हो गए, छलम छल्लो छलम छल्लो, तब उनकी याद आती है कि वो क्या गायक थे। सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी, वो किस तरह से खरज और खरज के बाद मध्यम और मध्यम के बाद तीव्र में वो जाते थे
मैं आपको बताता हूँ। भगवान भगवान भगवान, वो खरच से चालू किया है। ओ दुनिया के रखवाले, मध्यम पे आ रहे हैं वो, सुने दर्द भरे मेरे नाले, सुने दर्द भरे मेरे नाले, फिर खरच पे है। अब फिर खरच पे आते हैं वो, आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई। तीव्र पे जाते हैं, नैया संग तूफान बनाया, मध्यम पे। अब तीव्र पे, मिलन के साथ जुदाई, ये तीव्र। फिर और तीव्र पे जाते थे, जा देख लिया हर जाई, हो लुट गई मेरे, तीव्र पे ही चल रहे हैं वो, प्यार की नगरी, मध्यम पे। अब तो नीर बहा दे, तीव्र पे। अब तो नीर बहा दे, मध्यम पे। ओ अब तो नीर बहा दे, ओ दुनिया के रखे वाले। इस तरह से रफ़ी साहब, जैसे एक रबड़ की रिंग होती है, तो रबड़ की रिंग को आप थोड़ा थोड़ा करके यूँ 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 करते 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 धीरे धीरे आप उसको इतना आकार दे सकते हैं। अगर आपने उसको एकदम यूँ किया, टूट जाती है वो। इस तरह मोहम्मद रफ़ी को ये जो तकनीक, उनकी गायकी, उनकी मेहनत और उनकी विद्या, उनको सफलता मिली। और उन्होंने ऐसे भी सॉन्ग दिए जो लटकेले झटकेले थे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, यहाँ फिर खरज में आए, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हर गाने में उन्होंने खरज, मध्यम और तीव्र का प्रयोग किया। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी ने मध्यम पे हैं, अब तीव्र पे जाते हैं, हैरी ओ फिर करज पे आते हैं। इसी तरह ये जो गायकी की ट्रिक इनको हासिल थी, लाजवाब थी, इसी तरह कैल सहगल जो संगीत सम्राट कहलाते हैं, ये महारथी इसमें बहुत गजब के थे। मैं उनका आपको बताता हूँ, वो किस तरह
खरत से ओ तीव्र पे जाते थे, ओ तीव्र से मध्यम को छोड़ के ओ सीधे खरत पे आते थे। ये कला मोहम्मद रफी साहब में भी नहीं थी। देखो, हम जो चीज होगी ना वही बताएंगे। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। एक फिल्म में कैल सैगल ने एक लोरी गाई थी। तो कितना खर्च पे गए हैं, सो जा राज कुमारी, सो जा। यहाँ तक वो खरत से मध्यम पे आए सैगल, फिर मध्यम पे ही हैं। सोजा में बलिहारी सोजा, फिर खरत पे सोजा राज कुमारी सोजा, फिर खरच पे आते हैं। कितना खरच पे आते हैं, उनके बराबर कोई नहीं आ सकता। सो जा मीठे सपने आए। अब ये सैगल साहब रबड़ की तरह आवाज को कहाँ ले जाएंगे, तीव्र पे। सो जा मीठे सपने आई, सपनों में पीदर से दिखाई। अब तीव्र पे जा रहे हो। उड़ कर नील गगन को जाएं, फिर तीव्र पे जाते हैं। नील गगन की सखियावे, फिर नीचे आते हैं। नील गगन की सखियावे, राजा जी दिल बहलाए, चूमे मांग तिहारी सो जा, फिर नीचे आ गए। सो जा राज कुमारी सो जा, आगे सो जा में बलिहारी सो जा, सो जा राज कुमारी सो जा, सो जा मीठे सपने आई, सपनों में पीदर से दिखाई। ऊपर जा रहे हैं। उड़ कर नील गगन में जाएं और ऊपर, नील गगन की सखियावें, नील गगन की सखियावें, राजा जी माला पहनाए, चूमे मांग तिहारी सो जा, सो जा राज कुमारी। इस तरह सैगल साहब को संगीत सम्राट कहा गया है। मध्यम, खरज और तीव्र के बादशाह थे वो, और रफी साहब भी तीनों के ही बादशाह थे। इसके अलावा मैं आपको सैगल का एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आइए कातिब तक दीर मुझे
इतना बता दे। अब देखो आप, इतना बता दे, फिर नीचे खर्च पे एकातिब तक देर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझे से खपा है तू, क्या मैंने किया है। आगे ना खर्च पे, फिर खर्च है, औरों को खुशी मुझे को फकत, दर्द रंजो गम। अब ऊपर जाएंगे, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। अब तीव्र पे जाएंगे, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। इस तरह से सहगल साहब, एक और उनका एग्जाम्पल देता हूँ, भक्त सूरदास में ये एक भजन है, किस तरह से वो खरज मध्यम और तीव्र का प्रयोग करते थे। ने नहीं ने को खरज से चालू किया, राह दिखा प्रभु, फिर खरज पे आए। अरे वो कुछ सेकंडों में ही खरज और मध्यम और तीव्र पे घूम जाते थे। ये अदा, ये ट्रिक, ये विद्या कैल सैगल को ही प्राप्त थी और किसी गायक को नहीं थी। ने नहीं ने को राह दिखा प्रभु। अब आगे बढ़ते हैं, पग पग ठोकरे खाऊं मैं, फिर नीचे आ गए, ने नहीं ने को राह दिखा प्रभु। अब देखो इसी भजन में वो कैसे तीव्र पे जाते हैं, तू मेरी नगरिया की कठिन डगरिया, तू मेरी नगरिया की, ऊपर चलना कठिन डगरिया, फिर और ऊपर, चलते चलते गिर जाऊं मैं प्रभु। कितना जल्दी खर्च पे आया, ने नहीं ने को राह दिखा प्रभु। ये सैगल का अंदाज, इसलिए उनको संगीत सम्राट कहा गया। इसी तरह मनाडे साहब को, हे मालिक तेरे बंदे हम, मध्यम पे हैं, ऐसे हो हमारे कर्म, फिर खर्च पे आते, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंस ते हुए निकले दम, हे मालिक तेरे बंदे हम। फिर तीव्र पे जाते हैं, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। मनाडे साहब का ये अंदाज, और मनाडे साहब का जो सॉन्ग
क्लासिकल में ज़्यादा मन्ना डे साहब ने गाए, मोहम्मद रफ़ी ने गाए, और क्लासिकल के अंदर ही केएल सहगल ने ज़्यादा गाए। मन्ना डे साहब जने के मध्यम से चालू करते हैं, कभी खर से करते हैं, कभी तीव्र से करते हैं। जने के तुरी बाजे पायलिया, जने के वो एक आवाज के अंदर ही खरज मध्यम और तीव्र का प्रयोग करने की जो कुशलता हासिल मन्ना डे साहब को, आज ऐसे गायक सुनने को नहीं मिलते। जने के तुरी बाजे पायलियां, अब ऊपर बढ़ते हैं। प्रीत के गीत सुनाई पायलिया, फिर नीचे आ गए ना। जने के तोरी बाजे पायलिया, अब वो तीव्र पे जाते हैं सबसे। इंद्र धनुष का लोचक मरिया, इंद्र धनुष का लोचक मरिया, जैसे वृंदावन की गुजरिया, फिर ऊपर भावली रत से कर दे जादू, तीव्र पे गा रहे हो। भावली रत से कर दे जादू, होश जिया के उड़ाए पायलिया। जन के तुरी बाजे, इस तरह मन्ना डे साहब को ये कुशलता हासिल थी। मैं आपको इस प्रोग्राम के अंदर ये भी बताऊंगा कि गायक प्रदीप, कवि प्रदीप, उनके एक से एक गाने बढ़िया, उनका एक अंदाज जो था, देखने में तो वो कबूतर जैसे दिखते थे, दुबले पतले लंबे, हम उनको सैल्यूट करते हैं। आवाज उनकी सुनो तो हो, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, किस तरह से इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। प्रदीप अपने जमाने के बहुत अच्छे गायक, और हम अब आपको अवगत कराते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नाक से गाते थे, स्वर्गीय मुकेश। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, जो दर्द जितना मुकेश जी के गानों में है किसी के गानों में। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए। एक ये उनका सीरियस सॉन्ग, और कई लोगों ने ये कह दिया था कि मुकेश जी हमेशा रोना पीटने वाला ही गाना सुनाते हैं, ऐसी बात नहीं।
तो बाये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल हसीना, ऐसी मजाल कहाँ। कितना आवाज को घुमाते। तोबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जलाल हसीना, ऐसी मजाल कहाँ। तो उन्होंने इस तरह के भी सॉन्ग दिए। मतवाली नार ठूमक चली जाई, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाई। खरज मध्यम तीव्र तीनों। मतवाली नार फूल बदन मुखड़ा, इसी तरह जो गायकी है उस गायकी के अंदर देखो जो स्त्री गायिकाएं हैं, कोई बुरा नहीं माने, हम कोई क्लासिकल के जानने वाले नहीं हैं, इसलिए हम पहले से ही क्षमा मांग लेते हैं। स्त्री गायिकाएं जो हैं वो खर्च पे कम जाती थी और जो पुरुष गायक थे वो खर्च पे उनका रियाज। खर्च के अंदर गाना एक अद्भुत कला है, खर्च के अंदर प्रवचन देना एक अद्भुत कला है। मैं इसका एक नमूना आपको देता हूँ। सिंपल आदमी मध्यम पे, देखिए आज जन संसार के अंदर रामलला के चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं, ओ रामलला आखिर अपने स्थान पे विराजमान हो गए, ये हुई बात एक मध्यम की। देखिए अब मैं खरच पे इसको कर, आपको कौन सा अच्छा लगता है बताना। देखिए राम लला की जो स्थापना हुई है बड़े अच्छे मुहूर्त में हुई है, ये खर्च में मैंने बोला है आपको। और खर्च की आवाज को लोग बहुत लाइक करते हैं। अब तो वो जमाना नहीं रहा ये रेडियो का, नहीं तो खर्च के आवाज वालों को न्यूज टीवी के ऊपर न्यूज। अब ये रही एक सिंपल गायकी जो क्लासिकल होते हुए खरज मध्यम और तीव्र। तलत महमूद साहब की आवाज में एक कशिश थी, कशिश, वो कशिश रफी की आवाज में नहीं थी, वो कशिश केल सेगल की आवाज में नहीं थी, वो कशिश सिर्फ तलक महमूद की आवाज में थी। वो क्या कशिश थी। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वो ही गीत में तेरे लिए। खर्च पे आ गए ना। जलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना, इसे शीशे से बिना झुक। इसी तरह तलत महमूद ने ए दिल मुझे ऐसी
जगा ले चल जहाँ कोई न हो, अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो। वो जो मखमली आवाज को घुमाने की जो ट्रिक थी तलत महमूद की, किसी अदाकार में नहीं थी। फिर आगे वो खरच से मध्यम पे जाते हैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं, ऊपर बढ़ते हैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं। खरज मध्यम तीव्र तीनों लिए तलत महमूद ने, दुनी अब खरज दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, ए दिल मुझे ऐसी। ये महारती तलत महमूद की मखमली आवाज कोई पैदा नहीं कर सकते, कोई पैदा नहीं कर सकते भाई। और पुराने समय के जो गायक पंकज मलिक, एक बंगला बने नारा फिर मध्यम तीव्र पे, रही कुन बाजिस में सारा, इके बंगल बने नारा। फिर खरच पे आते हैं, सोने का बंगला चंदन का जंगला। अपने समय के बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, और हम कैसे भूल जाएं हेमंता को, कैसे भूल जाए हेमंता की आवाज के अंदर एक अलग अदा थी। नहीं जाने किस पे आएगा है अपना दिल तू आवर, न जाने किस, मध्यम खरज और तीव्र तीनों का प्रयोग किया, आएगा। फिर खरच पे आते, जमाना देखा सारा है सब का सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ न किसी का, सफर में है। अब नीचे जाते, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। इस तरह से जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला। देखो इसमें एक खास बात ये होती है कि कोई भी सिंगर कोई गाना गाता है, उसका एक एक शब्द आपको सही मालूम पड़ना चाहिए। बहुत से सिंगर गाते हैं ना तो वो क्या गाया पता ही नहीं चलता। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी थी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे। फिर उनका
ये नहीं कि उन्होंने सीरे से गाने दिए अमनदा ने। जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी डिन 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 डिन। हेमंदा के गाने, आह क्या लाजवाब हेमंदा। उन्होंने जितने सॉन्ग दिए एक से एक प्रख्यात दिए। अब मैं आपको इसके साथ कुछ अलग से जानकारी दूंगा। एक जगह जो सबके लिए मैं सामग्री लाया हूँ, देखो सिर्फ बड़े हस्तियों के लिए नहीं, सबके लिए लाया हूँ मैं आज आपके लिए। आज मेरा मूड बन गया। जो स्टेज सिंगर हैं, स्टेज सिंगर सैगल की फिल्म का भी नाम है, तो उनके वो कोई क्लासिकल नहीं जानते, उनको पता नहीं कि वो जो चीज़ गा रहे हैं वो किन रागों पर है। लेकिन उनके गाए गीत को आदमी का दिल खुल जाता है। एक स्टेज सिंगर का मैं आपको दो लाइन सुनाता हूँ, अगर मेरे को याद आती है तो। बालों जैसे बाल नहीं है शैम्पू का मन करता है, बालों जैसे बाल नहीं है शैम्पू का मन करता है, ए बूढ़े काजल लगैलू फिन ऐये जवानी, ए बूढ़े सुरमा लगैलू फिन ऐये जवानी। तो इसको आप कोई से राग के अंदर समझो, कोई राग का नाम नहीं, लेकिन इसमें एक मिठास है जो दिल को छू जाती है। इसी तरह और भी अच्छे अच्छे गायक हुए। गायिकाओं के अंदर मैं कुछ नहीं कहूँगा, हाँ कुछ मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को कराया, खरज मध्यम तीव्र। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को कराया, कि उस जालिम ने तड़फाया, कि उसकी मुझको याद आया। बड़ी मुश्किल थे, शायद बेगम अख्तर या शमशाद बेगम का होगा, और उमा देवी ने कुछ ही सॉन्ग गाए, बाकी बहुत प्यारा एक सॉन्ग उनका गाया हुआ जिसे टुन टुन के नाम से। डेरे डें डेरे डें डेरे डें डें, एक उनका अंदाज। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरारी का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें, लेकिन नसीब लाई हूँ, लेकिन नसीब लाई हूँ
एक सोगवार का आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। लर 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 इस तरह से। इनके अलावा जो अपने ज़माने का, जब बर्मा की लड़ाई हुई थी, अपने यहाँ से लड़ने के लिए गए थे, करण दीवान नाम से गायक थे। जब तुम्हें चले परदेश लगा कर ठेस ओ प्रीतम प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। क्या आवाज थी और स्वर कोकिला लता जी, देखो स्वर कोकिला तो वो ही रहेगी। आएगा उनकी आवाज के अंदर, देखो आप एक अलग ही अंदाज लता जी के। आएगा आएगा, फिर खरज पे आती है। आएगा आने वाला, कितना नीचे आई है। आएगा आएगा, इसीलिए लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, भारत कोकिला कहा गया है। बादल बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, सीन नैन नैना पर तीर चल रहे हैं, तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारी। पर तीर चल रहे हैं, आएगा आएगा, ये आवाज को घुमाने का। आएगा 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 आने वाला, आएगा। शायद ये फिल्म महल का गाना हो सकता है। इसके अलावा लता जी ने मोहब्बत मोहब्बत की झूठी, देखो खरत पे जाती है लता जी, कहानी पेरोए कहानी पेरोए, यहाँ ये खरत पे बड़ी चोट खाई, मध्यम पे जवानी पेरुए जवानी पेरुए। ये जो कला लता जी के अंदर थी, खरज मध्यम तीव्र को एक ही आरोह अवरोह के अंदर पैदा करना, अच्छे अच्छे गायकों का बस का रोग नहीं। मोहब्बत की झूठी कहानी पेरुए, अब वो तीव्र पे जाती है। न सोचा न समझा न देखा न भाला, फिर ऊपर जाएगी। तेरी आरजू ने हमें मार डाला, तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए रोए। खरज पे आ गए ना।
मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। इसीलिए लता जी को है ना कोकिला कहा गया है। प्रोग्राम बड़ा हो गया लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं हरपन मौला किशोरदा। तो शुरू शुरू में उन्होंने गायकी शुरू की, पम 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 यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं यारो, पम पम पम, वो इस तरह के गाने गाते थे। और पड़ोसन के अंदर एक चतर नार बन के आई मन के द्वार मेरे घुसत जात मैं मरद जात, ये अदा एक अलग प्रकार की थी जिसे कोई भी गायक नहीं गा सकता था। तू क्या जाने और उन्होंने सीरियस गाने बाद में जो दिए किशोर दा ने, लाजवाब, गुंगेरू की तेरे है बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पैग में मध्यम पे कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ, खर्च पे गूंगेरू की तेरे है बजता ही रहा हूँ मैं। तो इस तरह देखो बहुत गायक हैं, समय बहुत हो जाता है। अब फिर जाते जाते हम एक बार फिर रफ़ी साहब को सैल्यूट करके, क्योंकि मेरे फेवरेट तो वो ही हैं, वैसे सभी मेरे फेवरेट हैं, जितने गायक हैं मैं सबको ही गाता हूँ, जैसी भी मेरी आवाज़ भगवान ने दी है, पसंद आए ना आए मुझे शौक है। सुनिए आप जितना दुख भरी आवाज को पैदा करने का जो ट्रिक था मोहम्मद रफी को था। उन्होंने गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो हाँ, नाचे मन मोरा मगन ताक धिगी धिगी ताक धिगी धिगी। अरे ये अदा कहाँ से आएगी अब। कहाँ से आएगी भाई ये अदा, कैसे समझाऊं बेड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं बेड़ी ना समझ हो, कैसे समझाऊं। इसके अलावा उन्होंने रफी साहब ने सब क्लासिकल दिए, राग हमीर पे होगा शायद ये गाना उनका, पैगे में पायल बांध के गूंगटा मुख पर डार के नैनन में कजेरा लगा के रे मधुबन, ये जो आवाज घुमाने की, रे मधुबन मेरा दीका नाच उड़े नादे नेता नेता दे दे दीम दीम ता ना ना नादे नेता नेता दे दे दीम दीम ता ना ना दीम ता ना 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 दीम ता ना ना। रफी साहब
ऐसा कोई गाना नहीं जिसको वो नहीं गा सकते थे। और नवयुवकों के लिए, मनोरंजन के लिए, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। जॉनी वॉकर के ऊपर उन्होंने सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, कहे घबरा। एक आवाज के अंदर कितनी आवाजें पैदा करना। अरे उनसे सीखो जो नए नए गायक बन रहे हैं ना, मोहम्मद रफ़ी से सीखो कि वो अपने आवाज़ को रबड़ की तरह कैसे ले जाते थे और कैसे नीचे के लिए और लेके आते थे। उनके अंदर उनकी आवाज़ गले से नहीं, नाभि से निकलती थी। महल उदास और गलियां सुनी, खरच पे महल उदास री, महल उदास हे महल उदास और गलियां सुनी, फिर करज पे महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें। ये जो आवाज उनके दिल से निकलती थी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। इसी तरह उन्होंने, रफ़ी साहब ने चूदेमी का चांद हूँ या फताब हूँ, देखो उनकी आवाज़ को, जो भी हो तुम खुदा की कसम, ये उनका ये लहजा, जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो। कितना घुमाते थे, चूदेमी का चांद हो। इसी तरह से रफ़ी साहब ने, अरे इतने भजन धार्मिक दिए, मुझे तो शिव शंकर मिल गई। हर गाना उनका क्लासिकल होता था, स्वर्गीय रफ़ी का। मुझे तो शिव शंकर मिल गई। और उन्होंने बेजू बावरा के अंदर, क्लासिकल के अंदर, आज गावत मन मेरू झूम के, शायद उन्होंने आमिर खान के साथ गाया होगा। और बेजू बावरा के अंदर ही सबसे ज़्यादा हिट गाने रफ़ी के थे, हैं और रहेंगे। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ, हो गया मिलन ये हमारा, तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, तू गंगा की मौज में यमुना की धारा, तू गंगा की मौज में यमुना की धारा, हो रहेगा मिलन। फिर खरज पे आते हो,
भला कैसे छूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौजे मौज से मिलके, मौज से मिलके। डूबो दोगे नैया तो तुमको ढूंढ लेंगे, तो देखो पूरा याद नहीं है मेरे को। मिलेगी न मंजिल तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। खर्च पे बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे मौजों को लेकर सहारा। हो रहेगा मिलन ये हमारा, ये तुम्हारा। और उनका गाना रफी का, खिलो ना जान करे तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। फिर वो मध्यम पे खरज पे आते हैं। खुदा का वास्ता देकर मना लूं, मजबूर हूं लेकिन। अरे उनकी आवाज के अंदर क्या कोई जवाब नहीं, जवाब नहीं। रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। देखिए हम अगर और गाएंगे तो सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, हम इस पे विराम देते हैं। हम इस चीज़ को नहीं जानते कि आप इसको लाइक करेंगे या नहीं लाइक करेंगे, एक घंटे का प्रोग्राम। लेकिन आपको ये ज़रूर ये होगा। और जाते जाते हम आपको जाते जाते तेरी मैं फिल्में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। शमशाद बेगम, तेरे कदमों पे सर पना झुका करे हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। हम इनको कैसे भूल जाएंगे। और इसके अलावा कई अच्छे अच्छे अदाकार जो हुए गजलों के, अपनी गुलाम अली खान साहब अपनी धुन में रहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ। गजलों के सम्राट इतने अच्छे कलाकार, और हम कैसे भूल जाएं, कैसे भूल जाएं पाकिजा का। एक वो कौन सा गाना है, किसने गाया मुझे याद नहीं। जब मैं हो गई आहा 15 बरस की, जब मैं हो गई, ये आप बताएंगे कौन सी फिल्म का है, किसने गाया।
15 बरस की लोगों ने पीछा मोरा की ना नथनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना नथनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना। अब कुछ मैं आपको 5 मिनट के लिए देसी घी से मैं आपको अवगत कराता हूँ, जो उनको कोई साज बात की जरूरत नहीं, एक चौतारे की जरूरत। अब के मैया सांवेरियो पैरना दे, आप नहीं समझे तो मैं अनुवाद कर देता हूँ। कहती है कि माँ मेरी शादी उससे करवा, किससे, जो संसार का मालिक है। अब के मैया सांवेरियो पैरना दे, किस लिए ई परन्या को काई परण बो, ई परन्या को काई परण बो बार बार मर जावे। अब के मैया सांवरियो पैरना दे। इसी तरह कबीरदास जी के न्यारे न नहीं देश वीराना, देश वीराना, देश वीराना, आवाज को घुमाने का एक अंदाज। न्यारे न नहीं देश वीराना, ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जान, यहाँ रहना नहीं देश। संसार को ज्ञान दे गए हैं कबीरदास जी की ये सराय तुमको खाली करनी ही पड़ेगी, ये लोक गीतों के अंदर आता है। इसी तरह लोक गीतों की अवहेलना नहीं कर सकते, वो देसी गाय का घी है मेरे भाइयों, लोक गीत देसी गाय का घी। अरे एक डार दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला, उड़िया हंस अकेला, उड़िया हंस अकेला। कि एक डाल पे दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, तो दो कबूतर एक डाली पे बैठते हैं तो वो एक से ही दिखते हैं, पता नहीं चलता। उड़िया हंस अकेला, उड़िया हंस अकेला, फिर ऊपर जाते हैं, हे उड़िया हंस अकेला, हे उड़िया हंस अकेला, उड़िया हंस अकेला, उड़िया हंस अकेला। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन केला, एक डाल जो पंछीर बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भुगेगा, चेला की करने चेला रे भाई। उड़ जा हंस केला, उड़ जा हंस केला। एक और लोकगीत इसी तरह, कभी कभी तो, कभी कभी तो, ये उस पे है। अरे लोकगीतों को आप यूँ मान के चलो, गाय का देसी घी है। मैंने आपका बहुत समय लिया है और मेरी उम्र मैं आपको बता देता हूँ 79 है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं अधिक चल नहीं पाता। इस उम्र के अंदर भी मेरे अंदर का जो जुनून, मेरा जो अंदर का जो शौक है, वो
दिन दिन जैसे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी तुम्हें सोना हम तुम चंदन हम पानी ज्या की अंग अंग बात समानी। संत रैदास जी का भजन। अब कैसे छूटे, किस तरह आवाज को घुमाना पड़ता है। राम रेट लागी अब कैसे। मुकेश जी का एक जो सॉन्ग मुझे याद आ गया, फिल्म का नाम देखो याद नहीं रहता, उसे हम अपने अंदाज पे गाते हैं। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, ये एक फिल्म से हैं, उसमें अलग तरह से हैं और हम इसको अपने हिसाब से। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली, कौन किसी का होता है ए दुनिया वालों सच तो कहो। खरज पे आ गए मुकेश जी। ए दुनिया वालों सच तो कहो, क्या प्यार भी झूठा होता है। किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। आगे, जब बुरा जमाना आता है, हाँ क्लासिकल में है, जब बुरा जमाना आता है साया भी जुदा हो जाता है, वो दिल को ठेस लगाता है। जो दिल का प्यारा होता है, किस्मत बिगड़ी दुनिया बदली। और बर्मा की लड़ाई में मेरे पिया मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। फिर उधर से वो टेलीफोन पे क्या बोलते हैं, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए बहुत पछताए, यहाँ बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है जिया में आग लगाती है। दोस्तों अब मैं इसको विराम देता हूँ, आपको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मैं आपके ऊपर कोई तरह का दबाव नहीं डालूँगा। मुझे खुद को मालूम नहीं कि ये जो प्रोग्राम मैंने दिया है ये क्यों दिया है, किस तरह से दिया है, न मेरे पास कोई किताब है न कोई और है। करीब करीब मैंने सब गायकों को इसके अंदर चदरिया कैसे भूल जाएं, जीनी रे जीनी हे राम नाम रस भीनी चदरिया, जालोटा साहब हैं कैसे भूल जाएं, मेली चादरे ओढ़ के कैसे, हरि ओम शरणम कैसे भूल जाएं,
ऐसे ऐसे गायक अपने देश के अंदर हैं और जो मजा शास्त्रीय संगीत में और लोक गीतों के अंदर है वो मजा आजकल के फूहड़ गानों में नहीं है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, उस पर जमाने का जोश जोश है तो होश होश नहीं खो सको, तुम चीज बड़ी है मस्त मस्त। क्या सीखेंगे इससे, नई जनरेशन क्या सीखेगी इससे? तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना तेरा काम काम, बदनाम न हो मेरा नाम नाम, हर नाम पे तू असमस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। हम इनको भी अच्छा समझते हैं, आखिर देखो गाने में मिठास तो होता है, लेकिन ये बुलबुले हैं, जरा सी हवा लगते ही ये महीना दो महीना चलते हैं, इनकी लाइफ लंबी नहीं। और जो रफ़ी साहब के मन्ना डे के और इनके जो गानों की लाइफ है क्या बताऊं मैं। थैंक्स आपको, बहुत बहुत थैंक्स। देखो आप सब्सक्राइब करो तो मुझे आनंद आएगा, लेकिन कम से कम आप गाली नहीं दें मेरे को, ये नहीं कहें कि बुढ़ा आदमी है जो एक घंटे का टाइम खा गया, हमारा दिमाग चाट गया। इस तरह के प्रोग्राम कोई नहीं देते, हम भी यूट्यूब के अंदर 7 साल से हैं और हम चिकित्सक हैं, चिकित्सक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी चुंबक चिकित्सा जल चिकित्सा, इनके हम चिकित्सक हैं और अपनी सेवाएं लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो भी हम जानते हैं उनको देते हैं। और कोई गलत बात बोलता है तो उसका हम खंडन करते हैं, क्योंकि हम हनुमान भक्त हैं और जो हनुमान भक्त है उससे तो यमराज भी डरते हैं। 3 बार सोचेंगे और पूछ के जाएंगे कि आपको लेने कब आए, जब हम कहेंगे कि अब तुम आओ, क्योंकि हम हनुमान भक्त हैं। और हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम लला के। और जाते जाते देखो हम हमारे कुछ जो प्रशंसक है उनको नाराज नहीं करना चाहते। बिगड़ी जरा बना दे अजमेर वाले को आजा, हाँ बड़ा प्यारा कवालियाँ, आह क्या कहना, शंकर शंभू की कवाली हमने सुनी, औरों की भी सुनी, तेरी महफिल आह ना तो कारवा की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है ना तो कारवा की तलाश है। और मेरे जो मुस्लिम भाई हैं उनके सूफी भजन, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है, ओ माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। कैसे भूल जाए हम, हमारे भाई हैं वो। अरे ये फिरका परस्ती तो गुंडो तत्वों ने कर दी, वरना मुस्लिम हमारे भाई हैं। और एक वक्त था जो मैंने 40 साल पहले देखा मेरे गांव में, तो मेरे मुस्लिम भाइयों के नाम बताऊं कैसे थे, मांगीलाल, पगड़ी पहनते थे पगड़ी,
और हम भजनों के कार्यक्रम के अंदर उनको बुलाते थे, भजन गाते थे राम के। अरे आज ये मुल्ला मौलवियों ने खराब कर दिया, आज इधर पंडे पुजारियों ने खराब कर दिया। हर अच्छे काम के अंदर नुक्ताचीन निकालते हैं। अरे दो दिन की जिंदगी है, क्या साथ लेके आए हो, क्या साथ लेके जाओगे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। रफी साहब को सैल्यूट।